हेलो गाइस, मैं वॉन यूर अगेन। वी हैव सम इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो गाइस, स्काउट भाई ने लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार के ऊपर रिएक्ट करा एंड उनके काम को एंड उनके कंटेंट को भी वो पसंद करते हैं। एंड इवन उनको मौका मिलेगा तो वो उनके साथ BGMI भी खेलेंगे, बिकॉज लॉर्ड पुनीत भी BGMI खेलते हैं। ये स्काउट भाई ने कन्फर्म करा है। क्या ना, शर्म ही नहीं है तुमको बे? लॉर्ड पुनीत भी यार खेल रहा, वो भी खेलता है ना, वो भी खेलता है ना विजय भाई, खेल रहा कौन है लॉर्ड पुनीत, पुनीत सुपरस्टार पुनीत भाई, सुपरस्टार? बहुत सेक्सी अच्छा, बंदा भाई, बहुत भाई, मेरे को बहुत सही लगता है उसको, वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन गाइस लगता है, पता है? जो भी करता है जैसे डिफरेंट सिनेरियो, बट मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन गाइस। लेट्स होप गाइस कि स्काउट भाई पुनीत भाई के साथ खेलें, बिकॉज क्रेजी सिट भाई क्रेजी फन होगा अगर वो दोनों एक साथ खेलेंगे तो। एंड गाइस, इसके बाद स्काउट भाई ने उनकी जो टीम है टीम एक्स पार्क, उनमें जो भी जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब की सैलरी 5 लाख से प्लस है। अब उन्होंने ये चीज़ प्रॉपर प्रॉपर क्लेरिफाई कर दी है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। खेले थे ना पहले, कहीं पैसे देना नहीं पड़ता, अब थोड़ा सा समझ रहे हो, अपने साथ बाकी प्लेयर्स भी है जिनका मैं बेसिकली एक तरह से मैं पूरा और अकेले सोलो सिंगल हैंडेडली चलाना होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट सैलरीज पे जाता है, घर का मेंटेनेंस पे जाता है, सब पे। तो अभी ऐसा कि अभी पहले वाला सिस्टम नहीं रहा कि अपन बैठे हैं, कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से पैसा जा रहा है, पैसा आके सीधा प्लेयर से जा रहा है, वो नहीं है अब। कैसा अब वन ये नहीं है ना, सोलो खुद की ज़िंदगी अब नहीं जी रहे के साथ साथ पूरे और चार लोगों को भी संभालना है। सो यस ब्रो, टेक से सैलरीज कितने हैं? इट्स ऑलमोस्ट सेम एज अदर एथलीट्स, इट्स ऑलमोस्ट सेम एज अदर एथलीट्स, उनसे ज़्यादा हो सकता है आई थिंक। बहुत मैं कैसे बताऊँ, है काफ़ी। मैं आपको किस तरीके से बताऊँ, 2-3 390 आ जाएगी उसमें, ऐसा कुछ। KTM 390, दो KTM कितने की आती है, ऑन रोड प्राइस कितना? दो दो KTM तो आ जानी चाहिए आई गेस, ऐसा ही कुछ। आईफोन के हिसाब से नहीं पता, मैं KTM के हिसाब से बोले तो ईजी पड़ेगा। हाँ, दो दो तक का, दो 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 तक आ जाए, 2-390 आ जाएगी KTM RC 390 जो प्राइस चल रही है। गाइस, अब अभी RC 390 की प्राइस देख सकते हो कितनी ज़्यादा हाई है, 2.83 अप्रॉक्स है। तो बेसिकली यार, ये 5 लाख से भी ज़्यादा उनकी सैलरी बन जाती है। और भाई, अगर हम सैलरी की बात कर रहे हैं ई स्पोर्ट प्लेयर की, तो अमित भाई जो कि सोल के कोच हैं, उनसे किसी ने ये पूछा, अगर सोल के टीम मेंबर्स को कोई डबल सैलरी दे तो क्या वो सोल छोड़ देंगे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेंगे? तो इस पे उनका रिप्लाई कुछ ये था। नहीं, सैलरी का नहीं हो सकता वो, समझ रहे हैं? इसका तो मैं श्योर हूँ कि सैलरी का नहीं हो सकता। जब तक मतलब टीम के अंदर आपस में भसड़ ना होने लग जाए प्लेयर्स की, ऐसा समझ रहे हो, इस पर्सनल लेवल पे बीटी ना हो जाए, जो मतलब टीम में दो लोग के बीच है, समझ रहे हो, वैसा कुछ हो कि भाई एक दूसरे के साथ रहने, तब तक तो लीव करने वाला सैलरी के लिए तो सीन नहीं आएगा, अनलेस मैनेजमेंट से किसी का ना बने या ऐसा कुछ हो जाए, समझ रहे, वो बात हो सकती है। सैलरी मतलब वो चीज़ नहीं हो सकती जो डिसाइड करे, भाई गोल्डी भाई हैं, सब संभाल ही लेते हैं वो, कुछ करना पड़ेगा। जब ऐसा कुछ होता भी है तो गोल्डी भाई संभाल लेते हैं, जरूरी है, क्योंकि इस वक्त मैन एडवांटेज कोई दिन चिकन डिनर नहीं आ पाएगा। और ब्लाइंड के आज देन गाइस, आज जब स्काउट भाई स्ट्रीम कर रहे थे तो नोवा किंग ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि नॉर्डविन का जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है उसके अंदर रेगल टॉस की टीम कौन सी है। देन स्काउट भाई ने कंफर्म करा कि जो उनकी TX के मेंबर हैं वही रेगल टॉस की एज अ टीम खेल रही है। है ना, मेरे लौंडे खेल रहे हैं उसमें, नॉर्डविन में मेरे लौंडे खेल रहे हैं, डार्क, नूब, शैडो, सैयद, बेसिकली पुरानी एंटिटी है। एंड गाइस, इसके बाद स्काउट भाई के चैट में कुछ अगेन से गॉडल का नाम यूज़ करके हेट फैला रहे थे। देन गाइस, स्काउट भाई ने कंफर्म करा कि उनसे ये गलती हो गई थी कि उन्होंने इन छोटे बच्चों की बातों में आकर के गॉडल फैन बेस को बुरा भला बोल दिया था, उसके लिए वो सॉरी थे। एंड उन्होंने न्यू भाई की बातों को भी अप्रिसिएट किया एंड जो भी जिस वे में भी न्यू भाई ने उनको कहा उनको अप्रिसिएट किया। देन गाइस, इसके ऊपर न्यू भाई ने भी रिएक्ट करा, तो वो क्लिप आप अभी देख सकते हो।
डिस्काउंट अप्रिशिएट नहीं हो, इज दैट सो? इज दैट सो? इज दिस शिट फॉर रियल? अब तो गेम भी आ गया. इज दिस मैं चैट खोलते ही ये सब तू मेरे को दिखता है, तुम्हारा बाप है जॉनी, ये सब मतलब ये कहां का फैन बेस है भाई ये? तो यार तुम हेटर का अलग ही एक कमेंट, नियो का एक वीडियो देखा था जहां पे उसने बोला था कि हेटर्स का अलग ही ग्रुप है. आई फील कि उसने सही बोला वो चीज, ये किसी के फैन बेस ही नहीं, फेक फैंस बनके तुम गॉडल का फैन. मैं भी इसमें ट्रिगर हो गया था कि मैं गॉडल फैन बेस पूरा भूल गया था. ये पूरा एक फेक फैंस का ग्रुप है जो पता है अपना नाम करके गॉडल सोल ये सब लगा के दूसरे को हिट देते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगे कि भाई वो बंदे ये क्या बोलते हैं कि हम उनके फैन बेस, ऐसा फेक फैन बेस. हाँ इनका नाम फेक फैन बेस है. अच्छा लगा रिप्लाई देख के मेरे को नियो का. नियो वैसा पहले था टॉक्सिक हो सकता था, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता जैसा भी दिया उसने सरकारी में जो भी वे मिल गया, बट उसने सही बहुत सही चीज़ बोली भाई, ये फैन बेस फेक ही है ये, ना यहाँ के ना वहाँ के, बस खाली इनको है कि आके मसाला लगाना हो. इज दिस शिट फॉर रियल? एंड गाइस प्रॉपर वर्ड टू वर्ड स्काउट भाई ने कुछ ये बोला था. अच्छा लगा रिप्लाई देख के मेरे को नियो का. नियो वैसा पहले था टॉक्सिक हो सकता था, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता जैसा भी दिया उसने सरकारी में जो भी वे मिल गया, बट उसने सही बहुत सही चीज़ बोली भाई, ये फैन बेस फेक ही है ये, ना यहाँ के ना वहाँ के, बस खाली इनको है कि आके मसाला लगाना. देन गाइस स्क्वाड भाई ने इसके बाद एक और चीज पे रिएक्ट करा, मैरिज केतन भाई की. एंड इज केतन मैरिड? यस ही इज मैरिड. देन गाइस आपने अभी तक वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच, लव यू, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो. देन गाइस सी यू सून, टाटा बाय बाय.